हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको हिमालय पर्वत के बारे में बताऊंगा कि हिमालय पर्वत में कितनी जो श्रेणियाँ हैं या जो हिमालय पर्वत जो बटे हुए हैं कितने लंबे हैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। और उसके बाद जो कुछ नदियाँ हैं जो हिमालय से निकली उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो इसे शुरू करने से पहले दोस्तों आपको आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, ठीक है, और ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं भी और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए ला सकूं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत है ये, तो हिमालय पर्वत का एक मानचित्र मैंने दिया है। तो दोस्तों देखें कि ये भारत का उत्तरी हिस्सा का जो है मैंने ये मानचित्र लिया है। इसमें देखिए कि ये जम्मू कश्मीर जो है तो ये लाल रंग का जो है देख जैसा कि आप देख रहे होंगे जो मानचित्र में ऊपर लाल लाल लाइन पारी गई है, तो सबसे ऊपर में जो है ये पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि है। तो पामीर ग्रंथि जो जम्मू कश्मीर के दम उत्तर में है, ठीक है, तो पामीर ग्रंथि से जो है कुल्लू श्रेणी निकली है, पामीर ग्रंथि से कुल्लू श्रेणी निकली है। तो ये तो इंडिया के बाहर का है, उत्तरी हिस्सा है। लेकिन अब देखेंगे दोस्तों कि ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है जिस जो कि आधा तो पाकिस्तान पीओके है या पाकिस्तान के अधिकृत है और जो आधा बचा हुआ है जो हम लोग इस पर भारत का अधिकार है। तो देखेंगे कि इसको कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद है ठीक है लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। तो ये हिमालय का पूरा क्षेत्र है और ये लंबा क्षेत्र है, 2400 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का क्षेत्र है जो है। सब ये सब टोटल जो लाल लाल आप दिख रहे हैं वो लाल लाल लाइन ये सब श्रेणियाँ हैं और ये हिमालय का है। तो हिमालय का तो जैसा कि मैंने इस पर बहुत सारे लेक्चर भी दिए हैं तो उसके लिए मैं जो ऑडियो रूप में है। तो खैर आप यहाँ देखें कि ये काराकोरम जो है जिसे ठीक है काराकोरम में ही भारत की सर्वोच्च जो चोटी है केटू यानी जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, तो ये काराकोरम में है। काराकोरम है कि जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर में है काराकोरम, यहीं पे राका पास पर्वत भी है। तो केटू जो है इसकी ऊंचाई जो होता है ऊंचाई है 8611 मीटर ऊंचा ऊंचा है, भारत की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी है। तो ये काराकोरम यहीं दर्रा भी है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है और ये शिवालिक श्रेणी। तो अगर इसको क्रम दिया जाए तो सबसे उत्तर पूर्व में जो है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जो है जास्कर श्रेणी, उसके नीचे जो हिमालय। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर शिवालिक ये क्रम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, ऐसा प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। नंगा पर्वत जो दोस्तों देखिए नंगा पर्वत जो है ये भारत में है और वर्तमान भारत के अंदर जो एरिया उसके अंतर्गत है। तो सबसे पश्चिमी ये नंगा पर्वत अभी यही है, भारत का सबसे पश्चिमी पर्वत जो है नंगा पर्वत है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो जिला दर्रा भी है दोस्तों, तो जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और उसके बाद देख रहे होंगे कि यानी कि जो जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर बहुत सारे श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी, द लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और यहाँ दर्रा भी है, काराकोरम दर्रा यही है, जो जिला दर्रा यही है, ठीक है। नंगा पर्वत जो है पश्चिम में है और राका पास है जो ये पीओके में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ से जो है कि उसके बाद है कि बारालाचा जो है ये जम्मू कश्मीर का ही एरिया है, हिमाचल से सटा हुआ है, बारालाचा, सिपकिला, ठीक है, तो यहाँ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि कैलाश श्रेणी है जो मानसरोवर झील है, तो यहीं से निकला है सिंधु निकला है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र सब यहीं से निकले हैं, ठीक है। तो सिंधु जो है जम्मू कश्मीर से होते हुए निकलती है और फिर इसके साथ जो पांच सहायक नदियां हैं जो बाद में मिल जाती है, तो झेलम, रावी, सतलज, व्यास, ठीक है, तो चिनाब, ये सारी नदियां जो है सिंधु में आगे जाके मिल जाती हैं।
तो भारत के जो पश्चिम में है, सिंधु नदी से आगे बढ़ने पर, सुलेमान श्रेणी है जो इस पाकिस्तान के एरिया में आते हैं, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। तो ये पांच जो सिरे पांच सहायक नदियाँ हैं सिंधु की, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए निकलती हैं, जिसमें सतलज रावी जो पंजाब होते हुए निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि ये कॉमेट है, जो कॉमेट है उत्तराखंड के आसपास का है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, नंदा देवी और कॉमेट उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये पर्वत श्रेणी है। उसके बाद है ठीक है, उसके बाद धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ये सब नेपाल में है, ठीक है। मकालू है, नेपाल में है। और ये देखिए दोस्तों, सबसे विश्व का सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है ये एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट जो है ये एवरेस्ट और कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम में है, और ये दूसरी ऊंची चोटी है भारत की कंचनजंगा, ठीक है। और ये एवरेस्ट जो है उसी के पास में है, मतलब कंचनजंगा से पूर्व में एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट जो है नेपाल के सबसे उत्तरी छोर पे है, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो दोस्तों ये सांगपुर नदी, जैसा कि आप देख रहे हो सांगपुर नदी ब्लू में है, तो जो ये मानसरोवर से निकली सांगपुर नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भारत में प्रवेश प्रवेश करती है, ठीक है। तो इसके बाद है कि ये जब नेपाल के जो पश्चिम में है, अरुणाचल प्रदेश असम का एरिया है, तो बोमडिला और डाफला ये सब है वहाँ, ठीक है, दर्रे हैं। और उसके बाद है कि नामचा बर्मा, तो नामचा बरुआ जिसको बोलते हैं, नामचा बरवा या नामचा बरुआ, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसकी ऊंचाई है 7756। तो दोस्तों एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, लेकिन चाइना वाले नेपाल पर दबाव देकर इसे 8850 मीटर की ऊंचाई बताते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि ये जो सांगपो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र बन के शामिल होती है, और असम असम से होते हुए निकलती है, ठीक है, जो कि बांग्लादेश होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों इधर देखें कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई भूम है, नागा श्रेणी है, और ये एक श्रेणी है मेघालय में, गारो खासी जयंती है, ये पर्वत श्रेणी है, या इस पहाड़ी श्रेणी, पहाड़ी पहाड़ी भी बोल सकते हैं इसे। तो गारो खासी जयंतियाँ जो है पर्वत है, तो ये गारो खासी जयंतियाँ हैं, गारो है पूरा पश्चिम में, खासी बीच में है, उसके बाद जयंतियाँ सबसे पश्चिम में, तो गारो खासी जयंती यही क्रम है। परीक्षा में पूछा जाता है कि पश्चिम से पूरब इसकी स्थिति बताएं, तो पहले पश्चिम में गारो है, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंतिया, इसको ऐसे याद रखें गारो खासी जयंतिया। फिर मिजो श्रेणी है, मिजोरम में मिजो श्रेणी है, नागालैंड में नागा श्रेणी, ये ठीक है। इसके बाद अरुणाचल में जो है पटकाई भूम से सटा हुआ है, तो ये सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, और हिमालय जो है, तो इधर तो चौड़ा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में हिमालय का जो चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जब पश्चिम की ओर बढ़ते, क्षमा करें, जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई जो कम जाती है, लेकिन जब पूर्व की ओर बढ़ने पर जो है कि पर्वतों की जो ऊंचाई है जो वो बढ़ती है, और जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पूर्व की अपेक्षा, मतलब पश्चिम में जो ऊंचाई है वो कम है। तो यहाँ से भी मतलब कि जो उत्तर भारत में से यमुना गंगा, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है गंगा, देखिए दोस्तों गंगोत्री से गंगा निकलती है जो उत्तराखंड में है, तो गंगा निकलती है, उसके बाद हिमालय से ही घाघरा नदी निकलती है, फिर उसके बाद गंडक नदी निकलती है, फिर कोसी निकलती है, बिहार से कोसी निकलती होकर कोसी निकलती है आगे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो ये, और दक्षिण से सोन नदी आती है, अमरकंटक होते हुए आती है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कि भारत के सबसे पश्चिम में कक्षकरण है, जो गुजरात में स्थित है, पश्चिम में कक्षकरण है। तो दोस्तों ये हिमालय का पर्वत है, और इसे अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो स्थिति वो पता चलेगा, जैसे कि आपको बहुत मदद मिलेगा कि बहुत सारी परीक्षाओं में ये कैसे इसको समझे, इसकी स्थितियों क्या समझे। और देखिए दोस्तों कि यहाँ पे एक चंबल नदी भी है, और चंबल नदी जो है ये सब यमुना में मिलती है, तो बहुत सारी नदियाँ जो है गंगा की, गंगा में मिल ही जाती हैं, तो गंगा मेन नदी है, और ये सारी सहायक नदियाँ गंगा में मिलती हैं, और ये सब मिलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में, बांग्लादेश के रास्ते बंगाल खाड़ी में गिरती है।
तो दोस्तों ये था हिमालय पर्वत। अगर मैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा इसको आप मानचित्र लेकर देखें तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।